मेरा चैनल कैसे है आप सब? भाई आप सब ठीक होंगे? तो अभी सुबह मॉर्निंग हो चुकी है और कबीर भी स्कूल जा चुका है, और स्कूल जाने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हुए और मम्मी के कुछ टेस्ट कराने हैं और उनको चेकअप भी कराना है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि उनकी उनकी कुछ दिनों से ना तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं लगी, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल, खड़े भी होने में उनको तकलीफ हो रही है। आई डोंट नो क्या है, अभी जो टेस्ट होंगे उसके बाद पता चलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम निकल चुके हैं घर से, और कबीर के आने से पहले भी हमें जल्दी पहुंचना है, तो इसलिए सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और देखते क्या होता है, अगर तब तक फ्री हो पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कबीर की फ्रेंड की मम्मी से बात करनी पड़ेगी ताकि थोड़ी देर के लिए वो कबीर को अपने साथ कर लिए, या जैसे भी हो पाएगा देख लेंगे। मोड ऑन है अभी, वीकनेस तो नहीं लग रही है? नहीं, पानी पी लो पानी। हाँ, खाली पेट वाला तो हो गया ना मम्मी का? तो अभी कुछ खा ले मम्मी क्या पहले? अच्छा, अगर वहाँ पे भी खाली पेट बोलने लगे तो, है ना? चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट और सही है। ये देखो गाइस, ये सब केवल कितना 40 रुपीस में हो गया, ये सब 40-50 रुपीस में, इतना सारा बाहर में 400 रुपए का मिलता है। हाँ, बाहर 400 रुपए का, ये केवल एक प्लेट यही मिलता 150-200 रुपए। अभी के लिए क्या लेने? और ये हमने समोसा, वो यहाँ एम्स में समोसे खाने आता है स्पेशल। किसी ने सोचा है कि यहाँ पे समोसे खाने आएगा? फ्रेंड्स, अभी हम जो हमारे टेस्ट वेस्ट है वो सब कंप्लीट हो गए हैं। सो गाइस, मैं अभी यहाँ पर वेट कर रही हूँ, और अभी हमने मम्मी के टेस्ट वगैरह सब हो गए हैं, और जो ऑटो है वो भी मैंने बुक कर दिया है, तो अभी देखते हैं ऑटो आने वाला है बस, और फिर हम उसमें बैठ के जाएंगे। और अभी फ़िलहाल बाहर हूँ मैं, अभी टैक्सी में मुझे ना अच्छा नहीं लगता, वॉमिट जैसा फील होता है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और जैसे ही ऑटो आएगा हम लोग चले जाएंगे। मैं बुक कर चुकी हूँ ऑटो को। ऑटो वो मैं कर चुकी थी, तो हमने और एक्चुअली मम्मी के साथ जो टेस्ट थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी उनसे एक्चुअली ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा था, वॉमिटिंग आ रही थी उनको थोड़ी सी, और बहुत वीकनेस लग रही है उनको, हेल्थ इश्यूज हैं थोड़े उनके साथ, तो अभी उनको दिखाना भी ज़रूरी हो गया था, तो इसीलिए अभी उनको दिखा रहे हैं, और टेस्ट वेस्ट सब कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी मैं घर जा रही हूँ। और उनका एक्चुअली खाली पेट का टेस्ट था, तो वो हो चुका है, और उस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कुछ खा नहीं पाते और टेस्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि और लोग भी वेटिंग में होते हैं, तो बस वही था। और उनको भी मैंने फिर थोड़ा वहीं पे ही नाश्ता भी करवा दिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं घर, और जो रिपोर्ट्स हैं वो मम्मी की कल मिलेंगी, और फिर उसके बाद हम जो होगा मैं वो आपको अपडेट बताती रहूँगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा या क्या आया है रिपोर्ट्स में। आपकी आ गया हो?
अभी बहुत ठीक हो गई ना अभी चोट? हाँ। अभी दर्द ही तो नहीं हो रही आपको इसमें? नहीं हो रही ना? अभी कबीर की चोट में गाइस थोड़ा आराम है, बस ये है कि इतना जल्दी हील नहीं होगा। फेस पर एकदम से इतना बड़ा मतलब इंजरी होना और निशान पड़ना बहुत थोड़ा टाइम तो लगता है, तो जैसे ही जैसे हील होगा, अगर मुझे भी इससे कुछ नॉलेज मिलेगी लाइक किसी चीज़ से जल्दी हील होगा या निशान नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उस चीज़ को देख लेती हूँ क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, किसके फेस पर निशान ना पड़े। और अगर आप लोगों को भी कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ है जिससे निशान नहीं पड़ेगा उसके फेस पर। हम घर पर पहुंच चुके हैं, मैंने अपने बालों को भी टाई कर लिया है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, और कबीर भी आ गया है स्कूल से, हम लोग भी अभी जस्ट पहुंचे हैं। तो चलिए कुछ मैं थोड़ा पानी या चाय वगैरह ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो यहाँ पर हमने चाय बना ली है और उसके बाद हम मम्मी और मैं थोड़ा सा ऐसी बातें करने में लगे हुए थे कबीर की स्टडी को लेकर, और थोड़ा सा जैसे अभी हम लोग बाहर गए थे तो उससे थोड़ा सा इंसान के जो तबीयत ख़राब होती है जिसको, उसको थोड़ा अच्छा लगता है जाकर। और दूसरी बात फिर घर में आने के बाद रिलीफ भी लगता है क्योंकि तबीयत ख़राब है तो वो ज़्यादा बाहर अच्छा तो लगता है जाकर, लेकिन घर में मतलब बाहर ज़्यादा देर रुक नहीं पाता बीमार इंसान। आज कबीर अपना ट्यूशन का होमवर्क कर रहा है, क्या कर रहे हो? तो ये होमवर्क कर रहा है अपना क्योंकि कल कर नहीं गया था, और कबीर ने पहन लिया मेरी वॉच। मेरी है? हाँ ठीक है आपकी है। तो अभी ये कर रहा है अपना होमवर्क और अभी ये ट्यूशन जाएगा। कबीर कर रहा है अपना ट्यूशन का होमवर्क और ये कर रहा है आज, क्योंकि इसने कल नहीं किया था तो आज स्कूल से आने की बात कर रहा है। तो चलो करो कबीर जल्दी। कर रहा हूँ। 3:20 और इसको 4 बजे ट्यूशन जाना है, तो मैं जल्दी से इसका होमवर्क करा देती हूँ, फिर स्कूल से आने के बाद स्कूल का होमवर्क भी कराऊंगी और जो ट्यूशन का होमवर्क होगा वो भी कराना है। और अभी कबीर के हैं एग्जाम्स भी हैं आज, तो चलिए मैं इसको पढ़ाई करा देती हूँ पहले, फिर बाद में मिलती हूँ। 3:20 हो चुके हैं। सो गाइस अभी मैं कबीर का होमवर्क करा रही हूँ, जो ट्यूशन से वो आ चुका है तो उसके बाद मैं होमवर्क करा रही हूँ स्कूल का, क्योंकि स्कूल का ना उसका थोड़ा पेंडिंग हो गया है। एक मिनट, उसका स्कूल का ना थोड़ा पेंडिंग हो गया है क्योंकि वो चोट की वजह से 2 दिन स्कूल नहीं गया है। टीचर को मैंने बताया था तो टीचर ने बोला था कि मैं मतलब उसको 2-3 दिन नहीं आने दूँ स्कूल, क्योंकि उसकी जो चोट है ना उसकी वजह से उसकी आईज थोड़ी स्वेल हो गई थी, यहाँ से तो स्वेल हो गई थी, तो इसीलिए टीचर ने बोला कि उसको आप रहने दो, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा पसीना भी आता है तो बच्चे मैनेज नहीं कर पाते। अभी थोड़ी सी वो ड्राई हो गई है तो इसीलिए मैंने उसको स्कूल भेज दिया था आज, और थोड़ा सा फिर भी बेटर है पहले से, कि अभी पसीना भी आएगा ना तो उसको उतनी तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा ड्राई हो गया है। तो चलिए मैं अभी उसको होमवर्क करा देती हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पे ही ये वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि आगे इसका होमवर्क खत्म होने में कितना टाइम लगेगा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।